मंडलायुक्त सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं ने कोविड 19 में मृत लोगों को दी श्रद्धांजलि, रखा 2 मिनट का मौन। गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य बनाएं, स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, वायरस के आदान प्रदान का कारण न बने, मंडलायुक्त ने कहा। आजमगढ़ 9 जून मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अधिवक्ताओं ने कोरोना वायरस की महामारी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए कोरोना वॉरियर सहित अन्य लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में बुधवार को आयोजित उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि यद्यपि कि इस महामारी के प्रकोप में अपेक्षित कमी होने के कारण लॉकडाउन में आवश्यकता अनुसार छूट दी गई है, परंतु संक्रमण का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कोविड 19 के संबंधित जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करने के लिए अनिवार्य बनाएं तथा स्वयं भी सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है या गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसे लोगों को विनम्र भाव से कोरोना वायरस की भयावहता के बारे में बताएं तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक और प्रेरित करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आपके स्तर से लापरवाही होती मिलने पर किसी के द्वारा सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है तो वह निश्चित रूप से आपका आपके परिवार का हित ऐसी है, उसके प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए बल्कि सहज भाव से उनके सुझाव को स्वीकार करना चाहिए। मंडलायुक्त श्री पंत ने सभी लोगों से कहा कि मास्क अवश्य लगाएं तथा एक दूसरे से पर्याप्त दूरी भी बनाए रखें ताकि इस वैश्विक महामारी के संक्रमण के पुनः प्रचार की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रायः हम छींकने और खांसने वालों के प्रति ही सजग रहते हैं, जबकि कोरोना वायरस होने की संभावना हर किसी में बनी रहती है तथा यह वायरस किसी भी व्यक्ति से हमें तथा हमसे किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोविड 19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का अनुपालन किया जाए तथा अपनी असावधानी और लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस के पारस्परिक आदान प्रदान का कारण ना बने। इस अवसर पर अपर आयुक्त अनिल कुमार मिश्र व संतोष कुमार वैश्य, संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा, उप निदेशक समाज कल्याण सुरेश चंद मंडली, अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाशन पांडे, विनोद कुमार त्रिपाठी, सेंट्रल बार के अध्यक्ष त्रिभुवन पति तिवारी, मंत्री अजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय प्रसाद सिंह, अजय कुमार सिंह, शेषमणि तिवारी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आजमी। तो इसलिए और ये मालूम, जिसको छींक आ रही है, जिसको बुखार आ रहा है, उसको देख के तो मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई इनसे सावधान रहना है, लेकिन जिसको 60-70% लोग ऐसे रहते हैं जिनको खांसी छींक बुखार नहीं आती है, वो अपने में तो स्वस्थ रहते हैं लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कम से कम स्वस्थ बना के रखें और जहाँ अगर आपको लगता है कि नहीं बच पा रही है तो मुक्त करें। ये आप स्वयं भी इसका पालन करें, मैं अपील करता हूँ, और जो आपके साथ बैठे हों उनको भी ये बताएं और इस